two right side signal xt and yt is given. Both are right side signal and both are related to one another through the differential equation. ठीक है, तो ये दोनों differential equation है, तो आपको निकालना है y and x. तो सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला इक्वेशन हो गया ये वाला, और ये दूसरा हो गया. तो लेट अस नंबर दिस नाउ, और जस्ट सो इन द फर्स्ट इक्वेशन डी बाई डी एक्स टी बाई डी टी, ये वाली इक्वेशन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड अगर करेंगे हम, if we apply Laplace transform both side, then what will be s of xs, इसका differentiation अगर x x time domain में होता है तो इसका Laplace transform क्या होगा, s of xs minus 2 of ys, ठीक है, plus delta t का क्या था 1. तो let us suppose this is our first equation. Second equation जो है वो हमारा इसका Laplace transform आएगा dy dt of dt. इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो s of ys equals to 2 of xs, ठीक है. तो ये सपोज करो सेकंड इक्वेशन है, तो इसकी जो वैल्यू है ys की वैल्यू, लेट अस सपोज यू पुट पुट द सेकंड इन 1, ys की वैल्यू जो है यहाँ पे ys, तो ys को इसको क्योंकि हमें क्या निकालना है, xs निकालना है और ys भी निकालना है, तो पूरी इक्वेशन एक ही टर्म की होनी चाहिए, आइदर एक्सेस और वाई एस. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वाई एस की जगह में एक्सेस की वैल्यू पुट कर दूंगा जो जो भी यहाँ पे है. तो जब आप इसको पुट करेंगे देन इट विल बी एस एक्सेस एज इट इज माइनस 2 वाई एस इक्वल्स टू 2 एक्सेस बाई एस, तो इट विल बी माइनस 4 एक्सेस बाई एस. जो इसमें ये वाई एस जो है, यहाँ पे वाई एस हमारा आया 2 एक्सेस बाई एस, ठीक है. तो ये वाई एस हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो माइनस 4 एक्सेस बाई एस प्लस 1. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और एक्स ऑफ एस इस ये एस कॉमन लोगे तो प्लस एस हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, देन इट विल बी एक्सेस इक्वल्स टू माइनस 4, दिस विल बी प्लस एस डिवाइड बाय एस. ओके, so further if we calculate x of s then it will be s plus 4 by s equals to 1, so x of s equals to s by s square plus 4. अब आपको पता है कि इसका क्या है, ये right sided signal है, तो its ROC will be sigma is greater than 0. okay, second thing is if you calculate the ys, y of s, तो y of s क्या है, y of s will be equals to 2 xs by s, so it will be 2 into x of s, so it will be 2 xs by s, so ss will cancel out, 2 by s into xs क्या था, s into s square plus 4, so it will be 2 divided by s square plus 4. अगर आपको इसका टाइम डोमेन सिग्नल पूछा है xt का, तो xt का टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा, इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा t. ओमेगा क्या है, इधर ओमेगा आपका 2t है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे yt क्या होगा, साइन ऑफ 2t, ठीक है, और ut क्योंकि बहुत साइड राइट साइड सिग्नल है. तो अगर टाइम डोमेन सिग्नल निकालने के लिए बोला देन इट विल बी लाइक दिस, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव ओनली टू it is asked only to determine ys and xs. So in this way, if any for any differential equation if it is given, then you can calculate like this.